Driving is too cliche. Let's see. Okay, ऐसे तो perfect है. Guys, are you ready for camping? I think we're ready. Tesla के logo देख रही तू? Merging आ रही है. ये इसने बस merge कर लिया. मैं ये आग जरूर लगाना चाहता हूँ. तो ऑटो स्टीयर चल रहा था, आपको लग रहा होगा कि फियांशु क्या कर रहे हैं. Why is he off from the steering? Relaxing. Relaxing. What's happening? It's because our gaadi is in autopilot, guys, and gaadi chalti ja rahi hai. Love this car, yaar. No, actually this car is amazing, to be honest. बचपन से मेरा वही दिल था Tarzan the Super. If you drive a Tesla, you cannot go back. Yeah. This is really true. मतलब के the car has so much to offer, so much. More than your wife. Just kidding. बिखरने का मुझको शौक है बड़ा. वेलकम बैक टू आवर चैनल. जस्ट ना के बाल ढंग से बने नहीं क्योंकि जिम ही जाने गए. बाल वैसे खराब होने. शर्मा जी ना कुछ ज्यादा ही वो है गाड़ी के साथ ना, प्रोटेक्टिव. गाइस जब भी ये इसकी टच स्क्रीन पे टच करती है ना, इसे कचक कचक आवाज आती है. बिकॉज ऑफ नेल्स के. इतने लंबे नेल्स किसके होते हैं भाई. 1 hour later. हो गए. और जिम के बाहर आप देख रहे हो मैकडोनल्ड्स का साइन जो हम नहीं खा पी सकते. बहुत तगड़ा और बहुत मुश्किल वर्कआउट किया गया है ये वर्कआउट. इसका नाम है टबाटा. जब भी ये वर्कआउट करते हैं मेरी जान निकल जाती है, बट ये वर्कआउट बॉडी के लिए बेस्ट है. हाउ वॉज योर टबाटा एक्सपीरियंस? अमेजिंग. आज तो कुकू भी हाफ रही थी पूरी. ड्राइविंग इज टू क्लिशे. मैंने ना 18 पे एसी चलाया हुआ है, इसने हीटेड सीट्स ऑन रखी रही है. किरण इतनी गर्मी है बाहर. मेरे को जिम में एक्सरसाइज करते टाइम भी ठंड लगती है. कहाँ का एड्रेस चल रहा है? आई एम नॉट किडिंग. ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार इतना सुकून मिलता है ना कि कोई फालतू का पेट्रोल नहीं फूक रहे. तो गाड़ी टर्न ले रही है. गाइस अभी थोड़ा सा कहते कि भाई थोड़ा सा हाथ लगा तो पता लगे ठीक है मैं सो नहीं रहा. अब खुद चलती रहेगी. ये पटोला ब्रिज से आराम से ऐसे लेके आती है गाड़ी. यहाँ पर कंफ्यूजन ही होगी. देखते हैं, चल देखते हैं. देखो अपने आप लेफ्ट जा रही है. देखें गाइस. ओह ये बस इधर भी जा सकती थी. हाँ. अपने आप इधर जा रही है. मेरे को तो सच्ची डर ही लग ही जाता है ये. एंड गाइस अभी मैक्स स्पीड मैंने 49 सेट की हुई है. आई कैन डू दिस एंड दिस गो अप टू 50. नाउ 60. ओह अब 60 भी चलेगी. लो जी ब्रेक भी लगा दी है गाड़ी ने हमारी. हेलो मामी जी. हेलो कैसे हो? कैसे हो? हाय खुश. ज्यादा मत चिपको जिम से. ये ऑल स्वेटी. टू बैड. हेलो खुशी. जेंटली अगर आप ना होते ये घूम जाता और मैं सच में भी मिलता ना क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है उनका. थैंक यू सो मच. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था. प्रॉब्लम सिल्वर प्ले बटन. थैंक यू. ये तो मैं सच इमोशनल हो गया कि मेरा बेबी बाय गुगलू बेबी. दोस्तों मामी जी के घर से निकल चुके हैं और गाइस मैं सिर्फ आप ये देख लो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ. हम लोग सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स नहीं कर रहे सच्ची कि मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स ही अनबॉक्स करें. वो फील है कि उनकी वजह से वो चैनल ये वाला चैनल यहाँ तक पहुँचा है. पर एक्साइटेड फॉर द मीटअप नाउ. अब तो जल्दी जल्दी रखेंगे. आई थिंक विद दैट आई एम गोना मेक अ रिकॉर्ड. आई विल बी द फर्स्ट यूट्यूबर जो अपने जो सिल्वर प्ले बटन अपने सब्सक्राइबर्स अनबॉक्स करवाएंगे. मैंने तो आज तक इसको देखा नहीं इसे कराते हुए. और ऐसा नहीं कि हमने चुपके से खोल लिया टेप वापस लगा ली. हम नहीं खोल रहे ब्रो. बिल्कुल नहीं खोल रहे गाइस. फर्स्ट टाइम देखेंगे. तो दोस्तों मामी जी के घर से निकल के अब फटाफट जा रहे हैं कॉस्को अपना काम फटाफट करके. थोड़ी बहुत चीजें लेके आनी है और उसका घर भागना है. और आज कॉस्को में कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा. कीरत और मैं अलग अलग शॉपिंग करेंगे. कॉस्को आने वाला है यही सीधी रोड पे. सो दैट्स व्हाई फिशी ने अपना ड्राइविंग मोड दोबारा से ऑन कर दिया है. डोंट से ड्राइविंग मोड इट्स ऑटो पायलट. गाइस लाइफ मेरा मतलब बहुत टाइम बाद किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. वो ऑटो पायलट है और मैं यहाँ पे ब्रेक लगाएगी दोस्तों. सामने वाली थोड़ी रुकी ना वो ब्रेक चल रही है.
यार ट्रैफिक में तो ऐसे बहुत ही बढ़िया, वरना तुम ऐसे थक जाते ऐसे ऐसे करते करते। अपने आप ही चली जा रही है ये, और देखो ये अपने भी चल रही है और अपने भी रुक रही है, अपने भी चल रही है और अपने भी रुक रही है। कॉस्को आगे गाइस, कीरत एग्जैक्टली 15 मिनट में निकलना है। लिटरली सारी शॉपिंग डन हो चुकी है, बट इस लड़की ने अभी तक प्रोटीन ली लिया। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने सब ले लिया, दो कार्ड्स ली थी, सारा ट्रांसफर कर दिया। भाई साहब जरा स्टेयरिंग पे कभी तो हाथ लगा लिया करो। नो आई एम टू बिजी डूइंग नथिंग। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, यू कैन नॉट हैव दिस फीलिंग अनलेस यू ड्राइव अ टेस्ला On a normal day. सच में यार, जैसे अब तुम बैठे हो, गाड़ी आगे वाली चली, इसने अपने आप चलना है। सच में वैसे मैं डरती थी, मैं मतलब के इतना कभी रिलाय नहीं कर सकती, बट ये इतना एंजॉय कर रहा है। जैसे 5 किलोमीटर हमने सीधा जाना है, सिर्फ नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, ऐसे गाड़ी रुक रही है चल रही है, गाड़ी रुक रही है चल रही है, और कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करी हुई है इसने, बहुत ही बस। आई कांट वेट टू ट्राई एज वेल। यू कैन डू इट राइट नाउ, साइड गो फिर कभी। यार थोड़ा सा डर लगता है कि गाड़ी को कुछ होना चाहिए, बट मैं ना बहुत ज्यादा टेकी टाइप हूँ, लव टेक। सो अभी मेरे को बता रही है कि भाई थोड़ा सा बस एक बार ऐसे टच कर दे माड़ा सा। एंड ऐसा नहीं है लाइक बिल्कुल ही फ्यांजू अपना कुछ करने लग गया है, पूरा ध्यान रोड पे। सो दैट्स व्हाट दे एडवाइज एज वेल, कि भाई बिल्कुल ही ऐसा रिलाय ना हो जाओ। टेस्ला ये बोलती है कि भाई कभी भी स्टीयरिंग पकड़ना पड़ सकता है, रेडी रहना। दोस्तों खुशी है, टेस्ला से क्या होगा, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां कम होंगी। क्योंकि जब मैं एलेंट्रा भी चलाता था, कभी कभी क्या होता, तुम इधर उधर देख रहे हो तो ग्रीन रेड लाइटों पे, और एकदम से लाइटें ग्रीन होते, कीरत का इतना अनोइंग आता ना, चल हर बारी चल। ये खुद ही चल रही है। गाइस अगर आपको लग रहा है वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर न्यू कार, उसका रीजन ये है, यस वी आर ऑब्सेस्ड विद अ न्यू कार। यार दिस वाज अ ड्रीम, सही में लिटरली टेस्ला वाज अ ड्रीम यार। नहीं पता है, 1% भी थॉट नहीं आ रहा कि यार वो रेंज रोवर ले लेते हैं या बीएमडब्ल्यू ले लेते हैं। नो यार, जो इसका टेक है ना, इट्स दोस कार आर जस्ट अ कार, बट दिस वन इज नॉट जस्ट अ कार ऑनेस्टली। बाय द वे गाइस, आपको पता ही है कि हम थोड़ी बढ़िया डाइट कर रहे हैं, बट वी कैन हैव चीज, ये हम हैंडी रखते हैं, दिस इज 20 grams चीज जो हम दिन में एक बार खाते हैं। गाइस अभी अपने आप कंट्रोल कर रही है गाड़ी, तो अब इसमें मुझे धीरे धीरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बाय यूट्यूब। वाओ यार, एंड आई वांट टू गिव ह्यूज शाउट आउट टू माय हस्बैंड, जिसने एक ही दिन में इसको समझ लिया था और इसको अडेप्ट कर लिया था। सच्ची मतलब मैं तो हालांकि धीरे 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 करती, इसने फर्स्ट डे वन पे सारा कुछ मतलब के गाड़ी का पूरा वो करके समझ के, एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं इसको गाड़ी को चांस देना है, जो इसमें एबिलिटी है एंड वो हमने यूज करनी है, वरना तो यार आई हैवंट सीन पीपल यूजिंग दिस फीचर अलॉट टू बी ऑनेस्ट। मैंने नहीं किया था यार, आई हैव ड्रिवन टेस्ला, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे इतनी ज्यादा अडेप्टिव है ये। अमेजिंग जॉब। मैं ये नहीं कहना चाहता डिफिकल्ट, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। या इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स जस्ट लाइक कि यार गाड़ी को समझने में ही टाइम लग जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं। तो तेरे को याद है मम्मा कहते थे कि फ्रेंचो का कोई भी टॉय आता था बचपन में, ये डे वन पे आके इसको तोड़ फोड़ देता था और फिर जोड़ने की कोशिश करता था। वो मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत है, ठीक है, एंड आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क कि यार ऑन रोड चल रहा है, हाँ इतना इसकी स्टडी हो चुकी है। मैंने कुकू को एक मीम में टैग किया है स्टोरी पे, 2 million टाइम शेयर हुई है ये। इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट मैं मीम ढूंढ नहीं सकता था अपनी बीवी के लिए। गेटिंग लेट फॉर इम्पोर्टेंट वर्क एंड टट्टी। गाइस प्याज काट दिए, हम बनाने वाले हैं पनीर की भुर्जी, शिमला मिर्च ब्रोकली सब डालेंगे आज। इज मेकिंग पनीर भुर्जी, नॉट पनीर, साथ में वी हैव चिया पुडिंग। दोस्तों पूरी सब्जी रेडी हो गई है, ब्रोकली भी है, शिमला मिर्च भी है, प्याज भी है। दोस्तों मैंने और फिशी ने पूरा अपना ऑलमोस्ट काम खत्म कर लिया है, एंड हम अब प्लान कर रहे हैं समथिंग खुराफाती। खुराफाती तो छोड़ो गाइस, ये वो प्लान है जो हम पता नहीं कितने सालों से देख रहे थे। अभी तक तो लग नहीं रहा कि गद्दा आएगा, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेट्स जस्ट सी। ये वाली सीट फोल्ड हो गई है, इस वाली को आगे कर दिया है, और जो आज कॉस्को से सारा सामान लेके आए
वो सारा फ्रंक में आ गया है. दिस इज सो कूल भाई. दिस कितनी प्रैक्टिकल इसके आगे का बूट है. लेट्स सी. ओके ऐसे तो परफेक्ट है. नॉट सो परफेक्ट. भाई आ रहा है. Oh my god. Okay, let me go. टांगे घर इधर. टांगे आया. लेट मी ट्राई टू क्लोज इट. ओके तुझे आना पड़ेगा. हाँ मैं देखता हूँ ना एक बारी. कैसा लग रहा है? मेरे को तो परफेक्ट लग रहा है भाई. मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है आऊं मैं? तेरे को थोड़ा हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर को है ना. सर देगी ये वेट ले पा रहा है ये चीज? हाँ चलो. ओ भाई नॉट बैड. एक बार फिट हो गया ना. कैसा है? आई एम कम्फर्टेबल. हाँ मतलब थोड़ी सी वो टांगों का लग रहा है. हाँ. बट व्हाट आई कैन डू इज मैं टेढ़ा हो सकता हूं, डायगोनल हो सकता हूं. गाइस आर यू रेडी फॉर कैंपिंग? आई थिंक वी आर रेडी. डूएबल है रे तो दोस्तों. आई थिंक वी आर रेडी. बाबू बेसमेंट में अभी हम. सॉरी दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल है. जब भी हमने टेस्ला के बारे में सोचा हमने ये जरूर कहा है क्योंकि इसमें कैंप मोड है. Oh my God, I'm so excited. इस बता भी नहीं सकते हम दोनों कितने ज्यादा excited हैं. मतलब सब कुछ पैक कर लिया हमने. सब कुछ, पानी, एप्पल, प्रोटीन बार, ये सब्जी बनाई थी वो. कोई कीरत को बताओ थोड़ा कम excited हुए क्योंकि हमने सुबह सुबह 6 बजे वापस आ जाना है. हाँ, बट भाई तुझे भूख लगी. इतना भूख नहीं लग सकती हमें. हम वैसे भी उतना ही खाएंगे बाबू जितना नॉर्मली खाते हैं. मैं लिटरली बैग पहन के खड़ा हूँ. जाने वाले थे आई थिंक पॉटी आई. जाकर नहीं आ रही है. फिर तो सारी रात रोएगी. जा कुकु. और फिर बोलेगी स्मेल सॉरी फिशी. जा जल्दी जल्दी जा. ऑल सेट लेट्स गो. गाइस हम आ गए हैं अपनी गाड़ी को सुपर चार्ज करने. लेट्स डू इट. ये बटन दबाना है. ये ब्लू लाइट ग्रीन हो जानी चाहिए. Done. देखो दोस्तों मूवी तो है नहीं, रियल लाइफ है. तो रियल लाइफ होगी तो प्रॉब्लम्स भी होंगी. अब प्रॉब्लम ये है जिसे हमें फाइट करना है कि जहाँ पे हम जाना चाहते हैं रात को वहाँ पे आप गाड़ी खड़ा नहीं सकते अनलेस आपके पास स्पेशल परमिशन हो या फिर आपके पास कैंप ग्राउंड की बुकिंग कराई हो. आपने अभी देखा हमने गद्दा रखा है. सो भी बस वही सब प्लान कर रहे. किरत क्या बन रहा है, क्या अपडेट है? ड्राइव करके तो फिर हम अपनी रात भी खराब कर रहे हैं और दिन भी. टेस्ला चार्ज हो रही है गाइस. आई कैन वॉच दिस. यू आर द प्रॉब्लम एक्सेप्ट यू चीटेड. आई न्यू इट. दोस्तों इतनी प्लानिंग करके हम शायद घर जा रहे हैं भाई. हाँ घर चलते हैं, देखी जाएगी. अगर सुबह 6 बजे उठ रहा है. अगर किसी ने बोला तो चले जाएंगे. प्लीज बाबू हम एक बार हम चले नहीं जाएंगे. हम गद्दे लेके आए हुए हैं. ये कह रही है ऐसी जाके देख लो और देखी जाएगी. ये कीरे वहाँ पे ना कुछ चलान चलून हो जाएगा और कुछ नहीं है. Few moments later. दोस्तों गुड न्यूज है. पीसी ने देखा है कि बीसी में आप ऐसे पार्क कर सकते हो अनलेस वहाँ पे मेंशन किया हो नो पार्किंग ओवरनाइट. सो देखते हैं गाइस हम जा रहे हैं. एंड गाड़ी इतनी जल्दी फुल चार्ज होगी भाई साहब. जब हम लेके आए थे ना तो ये 700 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चार्ज कर रहा था. अभी 97 हो गए तो ये 230 किलोमीटर पर आवर पे ले आया है. और ये 97 था. तो अगर हम बिल्कुल 0 या 10% पे लेके आएंगे तो ये बहुत जल्दी चार्ज करेगा. सामने से गाड़ी मर्ज हुई ना. ये देखो स्लो कर रही है अपने आप. स्लो कर रही है. देखा देखा वो. हाँ स्लो ही है. 60 पे आई 65. और अभी फिर रेस पिक करेगी. इस रोड पे गाड़ी चढ़ाना इतना मुश्किल होता था चाहे वो मस्टैंग हम चला रहे थे, चाहे लेंटर चला रहे हो, चाहे हम बिलुंगा का ट्रक चला रहे. क्योंकि गाड़ी ये रोड ना एकदम से ऊपर को है. स्टीप है ये. ठीक है. एंड हमेशा जोर लगता था बट आज इतनी कन्वीनियंस के साथ जा रहे हैं हम. कोई हद इतनी लिटरली स्मूथ चल रही है गाड़ी ऊपर. तू सोच लाइफ प्रोसेस कर रही है वो यहाँ पे भी जा सकती है.
वो यहाँ पे भी जा सकती है, वो यहाँ पे, वो प्रोसेस कर रही है कि भाई मेरे को लाइव चल रहा है सब कुछ, ये टेक्नोलॉजी क्या है। मैं तो अभी तक आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड यार, ये कि उसने क्या सोच के, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। दिस इज ट्रूली अहेड ऑफ इट्स टाइम। I was in the dark against it all, but made it through the thing, cause I found my way, I found my way. पूरा तूने अपना रेस्टिंग पोजीशन पे पैर रखे हुए हैं दोनों। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस इन योर ओन व्हीकल, कि हम कर रहे हैं तो आप भी करोगे, ठीक है। प्लीज पढ़ो, सारी चीजें समझो, एंड उसके बाद तुम्हारे पास टेस्ला है तो तुम करना, बट समझ के। ऐसे फालतू में दिस इज अ डिस्क्लेमर। एक्सट्रीमली एक्टिव सारा टाइम, में कभी भी स्टीयरिंग पकड़ना पड़ सकता है मुझे, सुबह वैसे गाड़ी चला रहा हूँ। सॉरी आपको रात को दिखा रहे हैं ये, दिन में तो और बढ़िया लगती है ये ड्राइव बहुत ज्यादा, बट कल दिखाएंगे सुबह सुबह, है ना पीछे। अगर रात को ऑफिस है तो अलग बात है, बट डिपेंड करते हैं वहाँ पे रात को जगह मिलती है कि नहीं मिलती। गाइस आई एम नॉट किडिंग, वी आर गोना गो टू स्क्वामिश ऑन ऑटो पायलट फॉर नेक्स्ट, अभी के लिए 45 किलोमीटर था पहले, बट अब 40 किलोमीटर आएंगे, फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर इट्स ऑल ऑटो पायलट। लेट्स सी कैसा रहता है ऑटो पायलट का ड्राइव करना टू स्क्वामिश फ्रॉम वैंकूवर सरी टू स्क्वामिश लिटरली ऑन टेस्ला ऑटो पायलट। सोचो नहीं 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 नहीं, ओ हाथ लगाने को कह रहा है, आइए देखो इतना सा हाथ लगाना है, हाँ बस इतना सही करना था। गाइस इतनी वाइंडिंग रोड्स पे क्या स्मूथ चल रही है ये कार, चेक दिस आउट यार। अब यहाँ से देखो पूरा कर्व है, ये देख, ये देख तू, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, टेस्ला का लोगो देख तू, तेरे को पूरा पता लग गया। ये देख अभी देख, ये देख पूरा कर्व ही टर्न है, टेस्ला के लोगो देख रही है तू, पूरा मूव हो रहा है। एंड अभी हमने जान के स्पीड लिमिट से स्पीड कम रखी हुई है, सो दैट वी बी सेफर, क्योंकि रात का टाइम है, विजिबिलिटी गाड़ी के लिए भी कम होगी, और आई डोंट वांट टू इवन रिस्क इट, तो हमने 80 की जगह 70 पे चला रहे हैं, 69 पे चला रहे हैं हम तो। बाय द वे बहुत ही बढ़िया व्यू वाली रोड है, सी टू स्काई हाईवे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोड्स जो वैंकूवर के आसपास होंगी भी। ये देख तू भाई पूरा कर्व, होपफुली आपको सुबह का नजारा भी दिखाएंगे आज। मैं तो जाने के जाके सोने के लिए एक्साइटेड हूं। मी टू। वैसे सीट्स कंफर्टेबल है तेरे को? हां सर्वाइकल इशू है? नहीं नहीं वैसे नहीं, टच उठ नीरा कव गाइस, इससे तो क्या ही मैं बोलूं। वाओ यार ये देखो, क्योंकि अब टर्न्स बहुत शार्प है गाइस, इसलिए मैं अपना हाथ बस सेफली यहाँ रख रहा हूँ, दैट्स इट। ये स्क्वामिश की आपको पता ही है बहुत लेफ्ट राइट थे, एंड मैंने बस हाथ रख लिया, बट सब कुछ इसने किया। मर्जिंग आ रही है, ये इसने बस मर्ज कर लिया, क्या स्मूथली मर्ज किया यार। मजा ही आ गया, सच्ची कह रही हूँ, मजा अमेजिंग यार, आई लव दिस कार। I literally cannot believe कि हमने 60-70 किलोमीटर चला ली गाड़ी। इसका नाम कुछ और करना पड़ेगा यार। टेसु नहीं यार, कार नहीं है ये सिर्फ। Guys इसका नाम please suggest करना यार comments में। Car, I love this car called car computer. How's that? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। थोड़े से साइन वगैरह लगे हुए हैं, क्लोज्ड वॉशरूम ओपन, इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी हियर, सो वी विल सी। जरूरी फिशी जी ने कंट्रोल ले लिया है। ओके मैं कन्फेशन करना चाहती हूँ, मैंने हमेशा ड्रीम किया था कि मैं यहाँ पे इसी स्पॉट पे तेरे साथ मतलब कैसे डेट्स पे आया करूंगी, कैंपिंग, ऐसे सनराइज देखा करूंगी, सनसेट देखा करूंगी। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट, बिकॉज गाइस यहाँ पे पानी और पीछे से माउंटेन्स का व्यू आता है। आई लव 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 दिस एरिया, एंड आज वहां पे मैं पीछे के साथ
कैंपिंग कर रही हूँ होपफुली. प्लीज यार प्लीज यहाँ से पास गाड़ियाँ खड़ी है गाइस. आई थिंक सारे कैंपिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में. प्लीज कोई हमें मत बोलना कुछ बाहर के. हमने क्या कोई कुछ ना बोलना मतलब हमें ऐसे मत बोलना के गाइस व्हाट आर यू डूइंग हियर कमेंट्स पे. नहीं ये लोग ना हमें जाने को कहना घर. इनको क्यों बोल रही है. अच्छा मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि आई होप चौपट ना हो जाए कुकू का. अरे अगर हो भी तो भी बढ़िया. अभी तक तो कोई आया नहीं. कोई अगर पूछेगा तो देख लेंगे. और अब ये पूरा अंधेरा हो गया है. आस पास दिखाइए इनको एक बारी. ये देखो माउंटेन एंड उधर पानी रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा आपको. FYI गाइस मैंने हमेशा से ये जगह तो नहीं बट मैंने कहा था कहीं पे भी गाड़ी खड़ा के मैं ये आग जरूर लगाना चाहता था. और ये चीज जब मैंने आज से पता नहीं 2-3 साल पहले देखी थी तब मैं सोच रहा था. बढ़िया ना होटल. बहुत ही बढ़िया. कैसी चल रही है सीन. बहुत बढ़िया. तू तो हमेशा से बचपन से देखती है ऐसे टेंट टूट सारे सपने फिशी तेरे पूरे करता है. लव यू कुकू. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम सो एक्साइटेड गाइस. प्रियांशु पहले ही लेट गया वरना मैं आपको दिखाती. इतना अच्छे से बेड सेट किया था मैंने. बहुत ही प्यारा. आजा. सो गाइस जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो 81% है एंड हमने कैंप मोड ऑन कर दिया है. अब सुबह देखते हैं कि गाड़ी कितने परसेंट यूज करती है. 356 किलोमीटर. हम अपनी टेस्ला में लेटे हुए गए. यार आई एम 6 feet 2 inches. ठीक है बट मेरी टांगे थोड़ी मैंने ऐसे टेढ़ी को लेटी हुई है. ठीक है अदरवाइज अगर कोई 5'11" 6" हो तो भी चल जाएगा काम. और मेरा भी चल ही रहा है. बाकी सब ठीक बस चल रहा है. गाड़ी को कैंप मोड में लगा दिया गाइस. और यहाँ से दिखाते हैं आपको. कोई पिलोज नहीं लेते हमारे पिलोज आगे चले गए सिर्फ डेकोरेशन के लिए. ये देखो पैरों का सीन ये है. नीचे से पैर चले गए. ऊपर मैंने स्पेक्स रख दिए. टोपिया है इमरजेंसी के लिए बट वरना गाड़ी का हमने टेम्परेचर सेट कर दिया तो टेम्परेचर की टेंशन ही नहीं है. पूरी रात गाड़ी 22 degrees पे रहेगी. ये गाड़ी का है कैंप मोड जिसपे बिल्कुल कम से कम बैटरी लगेगी और कैंप मोड रहेगा. वैसे जिन लोगों ने टेस्ट किया है तो कहते हैं कि 6-7% 8% पूरी रात में उड़ती है विच इज वेरी लेस. अभी टेम्परेचर बाहर 6 degrees है. और ये फीचर इलॉन भैया ने लिटरली एक सॉफ्टवेयर अपडेट से दे दिया था. हाँ जिसको नहीं पता वो तो सबको सॉफ्टवेयर अपडेट से करता है. इसमें कैंप मोड है. अगर आपको अपना डॉग अंदर रखना है तो डॉग मोड है. अब मैं कुकू कन्विंस करने वाला हूँ. गाइस सो जाते हैं. चल सो जाते हैं. सुबह उठना एक्चुअली 5-6 बजे से दिन शुरू होता है हमारा. ठीक है मैं अलार्म लगा लेता हूँ. एंड वियर्डली इनफ मैं फिट हो रहा हूँ गाड़ी में विच इज वेरी सरप्राइजिंग. एंड एक और बात अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा कुछ गलत हो रहा है तो भी यही सोच लो कि गॉड का प्लान आपके प्लान से बड़ा है. एनी हाउ गॉड का प्लान ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और इस पे कमेंट छोड़ दो. बाय बाय गाइस टेक केयर गुड नाइट.